डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने धोखा दिवस मनाया। बीजेपी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने धोखा दिवस मनाया। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने के मामले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। संगम विहार में धोखा दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सरकार का बखान करते हुए नजर आए डिप्टी सीएम। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने का श्रेय ले रही है, तो वही आम आदमी पार्टी के लिए ये बीजेपी के खिलाफ एक हथकंडा बन गया है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धोखा ये है कि वो एक वेबसाइट खोल रही है। वेबसाइट पे लोगों को कह रही है कि आके रजिस्ट्रेशन कर लो। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना वही कॉलोनियों का पक्का करना नहीं होता है। कॉलोनियों का पक्का करने का मतलब होता है जो उस फ्लैट में रह रहे हैं, जिनका वो फ्लैट है, जिनका वो घर है, उनके हाथ में रजिस्ट्री के पक्के कागज आना। जब तक रजिस्ट्री के पक्के कागज नहीं आएंगे हाथ में, ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नंबर से लोगों को भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसी के साथ दिल्ली लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।